नॉगिस, आज का जो टॉपिक है, नासा का पहला एस्ट्रॉइड सैंपल लेके पृथ्वी पे पहुंचा है। मैं हूं रितेश सिंह। आज इसी टॉपिक के बारे में काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हाल ही का थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गैस कहाँ पे गिरा है, ये रेगिस्तान वाले एरिया में गिरा है, यूएसए के ही रेगिस्तान वाले एरिया में गिरा है। ये लेके कहाँ से आया था यहाँ पे, ये है ना अंतरिक्ष से लेके आया था। नॉगिस, ये लेके गैस अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष की बात करें काफी सारा यहाँ पे बात करें गैस एस्ट्रॉइड है, और इस एस्ट्रॉइड को कहाँ पे लेके आए, पृथ्वी पे लेके आए। किसके द्वारा लेके गए, नासा के द्वारा लेके आया गया है यहाँ पे। हालांकि इससे पहले भी जापान लेके आ चुका है, दूसरा देश होगा नासा जो काफी सारा एस्ट्रॉइड वगैरह को लेके आया है यहाँ पे। आप देख नॉगिस, ये जो कैप्सूल है जो अंतरिक्ष से लाया गया था, इन्हें नासा के लैब में लाया गया, और नासा के लैब में आप इन्हें स्टडी किया जाएगा, इन्हें कई तरीके से स्टडी किया जाएगा। इनसे है ना पत्थर, इनमें से कई सारे स्टोन वगैरह जो अंतरिक्ष से लाया गया था, जो एस्ट्रॉइड लाया गया था, इनके बारे में काफी कुछ स्टडी किया जाएगा यहाँ पे। यही कुछ स्टोन है जो कैप्सूल से निकाला गया, और फिर फाइनली इन पे रिसर्च काफी कुछ किया जाएगा। और रिसर्च करने के बाद क्या पता किया जाएगा, इन पे रिसर्च करने के बाद पता किया जाएगा कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, और साथ में जीवन कैसे संभव है, इन स्टोन से पता करने की कोशिश किया जाएगा, काफी कुछ रिसर्च किया जाएगा। हालांकि हम अगर थोड़ा सा सोलर सिस्टम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते, ये कुछ सोलर सिस्टम देख सकते हैं, और सोलर सिस्टम गैस काफी सारा प्लानेट है, और हम लोग कहाँ पे होते हैं, पृथ्वी पे होते हैं, इनके अलावा मार्स है, वेनस है, मरकरी है, काफी सारा प्लैनेट है। और पृथ्वी से अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगभग 6.2 अरब किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, तो हमें मिलती है बेनु एस्ट्रॉइड मिलती है, और इसी बेनु एस्ट्रॉइड पर गैस पृथ्वी पे लाया गया। ओरिसस मिशन जो था साल 2020 में, जो बेनु एस्ट्रॉइड था वहां पे पहुंच गया था, और फिर वहां का जो एस्ट्रॉइड था इसे पृथ्वी पे लेके आया था। बताया जाता है कि इस ओरिसस मिशन की शुरुआत 2016 में किया गया था, $1 बिलियन के साथ शुरुआत किया गया था नासा के द्वारा। और नासा गैस कहां की, यूएस की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह भारत में इसरो है, इसी तरह से यूएसए में नासा है जो स्पेस से रिलेटेड काम करती है। हाल ही का बात करें यहाँ पे, इससे पहले जापान ऑलमोस्ट जा चुका है, एस्ट्रॉइड लेके आ चुका है यहाँ पे। जापान एक पहला देश था और नासा दूसरा देश हो गया यहाँ पे। हाल ही का जो नासा जो जापान जो लेके आया था, केवल एक चम्मच ही स्टोन लेके आया था, वहां का जो धूलकण है इनके बारे में रिसर्च किया था, लेकिन नासा अगर बात करें काफी बड़ा स्टोन लेके आया। अच्छा, जापान जो मिशन को लॉन्च किया था उस मिशन का नाम क्या था, हायाबुसा मिशन लॉन्च किया था, और 2020 में ये पृथ्वी पे उतरा था यहाँ पे। तो कुछ ये था गैस, उसने भी यही कुछ रिसर्च करने की कोशिश किया था कि किस तरह निर्माण हुआ था पृथ्वी का, अंतरिक्ष में किस तरह प्लैनेट वगैरह का निर्माण हुआ था, यही सब एक रिसर्च करने की कोशिश किया था इस मिशन के जरिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद।